हेलो एवरीबॉडी, गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल अवी। गाइस, आज की जो वीडियो है वो स्पेशल क्यों है, क्यों स्पेशल है, मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अनाउंसमेंट की हुई थी। क्योंकि यार बहुत टाइम बाद ना, बहुत मेहनत करने के बाद कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी हाथ लगती है या जिसके बारे में पता लगता है, जिसको आप तक पहुँचाने में कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत खुशी होती है। आप तक कुछ भी कंटेंट मैं पहुंचाता हूं, उससे आपको जो खुशी होती है ना, उससे ज़्यादा मुझे खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मेरा जो कंटेंट है, जितने भी लोग देखते हैं, मेरे मन में हमेशा से एक ही चीज़ रहती है कि यार वो किसी तरीके से लॉस ना करें। ट्रेडिंग जैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लॉस लोग ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम करते हैं। मेरा मोटिव लॉस का रहता है कि लॉस ज़्यादा ना करें, मेरा मोटिव ये नहीं रहता कि प्रॉफिट ज़्यादा करें। तो यही चीज़ है और इसी को दिमाग में रखते हुए आज की स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। स्ट्रैटेजी बहुत ही मज़ेदार है, बस एक रिक्वेस्ट आप लोगों से उससे पहले मैं करना चाहूँगा, वो ये कि यार प्लीज़ 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 वीडियो को कीजिए पॉज और अभी लाइक कर दीजिए यार। लाइक करके आगे बढ़ो यार, क्योंकि आपकी एक लाइक बहुत हिम्मत बढ़ाती है मेरी और आने वाली वीडियोस के लिए बहुत मोटिवेशन देती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि IQ ऑप्शन का जो इंटरफेस है वो लॉगिन है और यहाँ पे आप मेरे लाइव अकाउंट में बैलेंस देख पा रहे हैं, $147, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बताता हूँ। स्ट्रैटेजी का जो नाम है वो है 3 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। मतलब यहाँ पे हम 3 मूविंग एवरेज यूज करने वाले हैं जिसका क्रॉसओवर के बेसिस पे डिपेंड करेगा हमारा ट्रेंड, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। तो कैसे कैसे मतलब ये चीज़ें होंगी, तो सबसे पहले आप जब स्टार्ट करते हो IQ ऑप्शन को या किसी भी बाइनरी प्लेटफॉर्म को, तो कुछ रॉ प्लेटफॉर्म यानी रॉ आपको देखने को मिलता है, मतलब इस तरीके का कुछ दृश्य आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले 1 मिनट का टाइमिंग जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अभी जो है फिलहाल कैंडल का, अच्छा यहाँ पे मुझे कैंडल्स करना पड़ेगा, देन यहाँ पे मैं जो है 1 मिनट का टाइम जो है यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। मैंने आपको 1 मिनट का जो टाइम है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब जो आते हैं, अब आते हैं इंडिकेटर सेक्शन पे। तो यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन पे आपको आना है, करना क्या है, हम डायरेक्टली जाते हैं पॉपुलर सेक्शन पे एंड नीचे जाएंगे आप तो मूविंग एवरेज का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसका जो टाइम पीरियड है, देखिए यहाँ से ना वीडियो थोड़ी सीरियस होना स्टार्ट होगी। सीरियस इन द सेंस कि मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है एक्चुअली इस स्ट्रैटेजी के अंदर। देखिए इस स्ट्रैटेजी का जो नाम है 3 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी, लेकिन इसको ना रैम्बो के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो देखिए कलर कॉम्बिनेशन है ना, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकता है। मतलब यहाँ पे मैं भी अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं यहाँ पे मेरा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा जो मुझे अच्छे से समझ आए। आप अपना कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे या कोई और अगर वीडियो बनाता है या कोई और अगर स्ट्रैटेजी यूज़ करता है तो वो अपना कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करेगा, इसलिए इसको रैम्बो बोलते हैं। चलिए गाइज़, ये तो अलग सी बात हो गई, लेकिन को रैम्बो स्ट्रैटेजी के नाम से भी जानते हैं। मुझे लगता है आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए बात, तो मैंने पहुंचा दी। क्योंकि अगर आपसे कोई कभी पूछता है कि क्या स्ट्रैटेजी है, क्या नाम से जाना जाता है, भैया तू कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, तो भैया हम रैम्बो स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। और बोल सकते हो अगर थोड़ी टेक्निकल टर्म्स में जाना है तो हम यूज कर रहे हैं मूविंग एवरेज, 3 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी। तो यहां पर देखो ये पीरियड है, इसको आपको 14 से हटा के 6 पे कर देना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, 6 पे कर दिया। अब यहां पर ऐसे में ही रखना है टाइप को, माफी चाहूंगा यहां पर टाइप है, इसको आपको EMA कर देना है। EMA करने के बाद जो कलर कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे जैसे कि मेरा जो कलर है मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ ब्लू। आप जो है आप अपना हिसाब से जो आपको कलर लेना है वो ले लो। यहाँ पे मैंने अप्लाई पे क्लिक कर दिया है और मेरे पास एक लाइन आ गई है भैया, ट्रेंड लाइन, यहाँ पे आप शो देख पा रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं अभी दोबारा से जो पीरियड है इसका पॉपुलर पे जाऊँगा, मुझे वापस से मैं मूविंग एवरेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो इसका 14 है पीरियड उसको ऐसे का ऐसा रहने दूंगा, यानी सेम का सेम रहने दूंगा। मैं EMA पे जैसे मैं EMA पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे जो कलर की बात आती है मैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यहाँ पे येल्लो कलर लूँगा। ठीक है, पीरियड याद रखना भैया आप, पीरियड हमने जो पहली कैंडल पहली जो ट्रेंड लाइन ली है उसका पीरियड है 6। ठीक है, और अब उसका कलर ब्लू है एंड देन सेकंड पीरियड हमने लिया है 14 और कलर लिया है येलो और इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई। उसके बाद मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा, यानी तिबारा इस पर क्लिक करूँगा, देन मैं जाऊँगा पॉपुलर पे, देन मूविंग एवरेज, देन अब मैं करने वाला हूँ इसका जो पीरियड है उसको 26। मैं इसके पीरियड को करूँगा अभी 26, तो यहाँ पे 24, 25 एंड 26। देन यहाँ पे SMA का जो ऑप्शन आ रहा है इसको मैं कन्वर्ट करके कर दूंगा EMA। EMA जो मैंने कन्वर्ट करके कर दिया है, अब आती है कलर की बात, तो कलर मैं बाय डिफॉल्ट छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे लेना ही ये कलर था। तो यहाँ पे मैं ऐसे कैसा छोड़ दूंगा, मैं कर दूंगा अप्लाई पे क्लिक।
अभी संडे मार्केट है, आज संडे है इसलिए सिर्फ OTC मार्केट अभी ओपन होगा और बिटकॉइन मिल जाएगा, जेड कैश मिल जाएगा, इससे अलावा कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला। अब ये स्ट्रैटजी काम कैसे करती है, देखिए इससे पहले मैंने आपको MACD बताया है, ठीक है, और कुछ और स्ट्रैटेजीज बताई हैं जो कुछ इस तरीके के बेसिस पे यानी इस तरीके के मॉडल पे काम करती हैं, लेकिन अब ध्यान से सुनने वाला पार्ट आपके लिए आया है, मतलब आपको ध्यान से सुनना है। देखिए सबसे पहले आपको जो एक्सपायरी टाइम है वो यहाँ पे 1 मिनट सेलेक्ट करना है, यानी अभी 50 है तो 51 समझ लो, आपको एक्सपायरी टाइम यहाँ पे रखना है 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट या उससे कम का टाइम, ठीक है। अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये कि टाइम फ्रेम कितना सेट करना है, तो 1 मिनट या उससे कम टाइम फ्रेम सेट करना है। अब जो आता है बात, अब आप पूछोगे सर ओलिम ट्रेड में तो मैं 1 मिनट से कम टाइम फ्रेम जो है सेट कर ही नहीं सकता, तो उनके लिए बता देता हूँ आप ओलिम ट्रेड में नहीं कर सकते, तो आप 1 मिनट का टाइम जो फ्रेम है वो सेट करो। आप अगर IQ ऑप्शन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आप 1 मिनट भी कर सकते हो, इससे कम भी कर सकते हो, चलता है। अब ये काम कैसे करती है तो देखो अभी मैं लाइव भी आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन लाइव जब तक हमें वो कन्फर्मेशन नहीं मिलती है तब तक मैं थोड़ा सा आपके लिए पीछे का हिस्ट्री दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारे पास ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन जो है, ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन आपको जो दिख रही है, आपको इतना पता होगा कि ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन पे हमने जो सेट किया था वो पीरियड सेट किया था 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे जैसे ही ये ट्रेंड लाइन यानी छोटी यानी शॉर्ट जिसका हमने पीरियड सेट किया हुआ है टाइम पीरियड, वो जैसे ही येलो कलर की लाइन को क्रॉस करेगी, येलो का क्या किया था हमने, मीडियम जो हमारे पास सेट किया हुआ है टाइम पीरियड, यानी हमने पहले 6 किया था देन 14 किया था, तो जब 6 का जो हमारे पास टाइम फ्रेम है यानी टाइम पीरियड है वो ट्रेंड लाइन 14 की सेट की हुई टाइम पीरियड की जो लाइन है ट्रेंड लाइन उसको जैसे ही क्रॉस करती है जिस भी डायरेक्शन में, आपको तीसरी कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे तीसरी कंफर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि कब लेनी है क्यों लेनी है, लेकिन उससे पहले इतना ध्यान रखो कि जैसे ये ट्रेंड लाइन है ब्लू कलर की यानी ब्लू आप कोई सी भी सेट करो लेकिन टाइम पीरियड 6 की होनी चाहिए, 6 की टाइम पीरियड की आपको जैसे ये ट्रेंड लाइन है येलो की ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है यानी कि 14 की ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको ट्रेड लेनी है 1 मिनट की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप डेफिनेटली विन करोगे। बहुत ज़्यादा केसेस हैं जिसमें आप विन करोगे और बहुत रेयर केसेस हैं जहाँ पे आप लॉस करोगे, सीरियसली बिलीव मी ट्रस्ट मी, यूज़ करो स्ट्रैटेजी यूज़ करो। और भैया यार यूज़ करने के बाद ना प्यारी लगे ना तो भैया 1 मिनट का टाइम दे के कमेंट जरूर कर देना कि भाई मस्त स्ट्रैटजी है। अब मैं आपको रियल टाइम सिनेरियो पे लेके आता हूँ। देखिए अब देखो होता क्या है, जब अब देखो हमने ये सिनेरियो, अब देखो मेरे को 1 मिनट की मैंने ऊपर जो है ट्रेड प्लेस कर दी, हालांकि मेरे को थोड़ी जल्दी प्लेस करनी थी, मैं यहाँ पे मुझे प्लेस करनी थी, मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि आपसे बात कर रहा था। लेकिन देखो अब जो है यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम भी गलत सेलेक्ट किया हुआ है, ये थोड़ी सी जल्दबाजी की वजह से ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सिनेरियो क्या है। देखिए क्या होता है ना, जब भी ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन यानी ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन की बात हो रही है यहाँ पे, जब भी ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन और आपकी ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में कट करेगी तो हमारा ट्रेंड डाउनवर्ड जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है, यहाँ भी आपका ट्रेंड डाउनवर्ड है, यहाँ भी आपका ट्रेंड डाउनवर्ड है, लेकिन अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जब भी ऐसा होगा कि आपकी सबसे ज़्यादा जो आपने टाइम पीरियड सेट किया हुआ है, मेजरली जो सबसे ज़्यादा आपने टाइम पीरियड सेट किया हुआ है, किस में किया हुआ है सबसे ज़्यादा टाइम फ्रेम, सबसे ज़्यादा हमारे पास है ऑरेंज कलर की लाइन में, तो 26 इसमें हमने सेट किया हुआ है, तो जब ये 26 वाली लाइन है ना ये नीचे होगी, जैसे कि देखो इस केस में यहाँ पे ये नीचे है और ये मीडियम रेंज की जो लाइन होगी यानी येलो कलर की जो लाइन होगी इसको अपवर्ड डायरेक्शन में जब ये क्रॉस करेगी तो ट्रेंड अपवर्ड रहने वाला है। देखो अभी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया, वी वॉन द ट्रेड, वी वॉन द या लास्ट ट्रेड, मैंने आपको जैसा कि बताया लास्ट ट्रेड में हमारी जो ट्रेड लग गई थी वो गलती से 5 सेकंड के टाइम फ्रेम पे लग गई थी, 5 सेकंड का ग्राफ था, इवन दो वी वॉन, भैया स्ट्रैटेजी बहुत प्यारी है, बहुत बहुत कमाल की स्ट्रैटेजी है। तो बस करना क्या है आपको यार, देखो अभी मैं आपको पहले थोड़ा सा पुरानी कन्फर्मेशन दिखा देता हूँ, थोड़ी ओल्ड कन्फर्मेशन। देखिए यहाँ पे आप रेड कलर की लाइन देख रहे हो, जैसे कि रेड कलर में रेड मतलब ऑरेंज कलर की, यहाँ पे हमारे पास सबसे हाई कन्फर्मेशन है, हाई कन्फर्मेशन मतलब हाई टाइम पीरियड की कैंडल है। जैसे ही देखो इसने ऊपर ये देखो ग्रीन येलो कलर की लाइन को क्रॉस किया एंड जैसे ही यहाँ पे क्रॉस किया ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ट्रेंड बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में। भैया यार आप लोगों को कहा था एक दिन आएगा ट्रेडिंग को बहुत आसान करूंगा आप लोगों के लिए, एंड सीरियसली बिलीव मी वो दिन बहुत नज़दीक है।
बहुत नज़दीक है और बहुत बहुत टाइम से जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है यार, जितने प्रॉमिस किए हैं अभी तक पूरे किए हैं और आने वाले टाइम में भी पूरे करूंगा। क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों, जब तक ऐसा प्रॉमिस ही मत करो कि जो आप पूरा ना कर सको, ऐसा वादा ही मत करो जो आप निभा ना सको। तो डेफिनेटली अब आपको जो है ये देखो, अब ये बात नहीं है कि सिर्फ ये मैंने करेंसी खोली हुई है, हम कोई और करेंसी पर जाएंगे, हम यूरो जेबीबी पर जाते हैं, हम बहुत सारी करेंसी, मैं आपको लगभग सारी करेंसी इस पर दिखाऊंगा, एक करेंसी नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी बट ट्रस्ट मी देखो वीडियो और आपको मजा जरूर आएगा वीडियो देख के। लेकिन यार यहां पे ना थोड़ी टिपिकल सिचुएशन है, देखो यहां पे डाउनवर्ड ट्रेंड पे जैसे जैसे इसने क्रॉस किया एंड डाउनवर्ड ट्रेंड मिल गया आपको, 1 मिनट का ट्रेंड आपको डाउनवर्ड मिल गया है। अब मैं आप 5 मिनट से 1 मिनट की कैंडल करने वाला हूं, तो डाउनवर्ड ट्रेंड मिल चुका है आपको और अभी तक क्रॉस भी नहीं किया। देखो यहां पे 1 मिनट की कैंडल ने अभी हल्का सा क्रॉस करना बाकी है और आपको ट्रेंड मिल गया है डाउनवर्ड डायरेक्शन का। तो यार सिंपल सी बात है, बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली बात, मतलब ऐसा नहीं कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे है। आपको सिंपल सी बात ये समझनी है कि देखो यहाँ पे ना टाइम पीरियड का जो है, कैंडल पीरियड है, वो बहुत इंपैक्ट डाल रहा है। कैसे, हमें क्या करना है, सिंपल सी भाषा में ये समझना है कि हमारे पास एक रैम्बो स्ट्रैटेजी है। कलर से कोई मतलब नहीं हमें, लेकिन यहाँ पे मैंने जो कलर सेट की हुई है अगर उसके ऊपर अभी जाते हैं, देखो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड हमें मिल गया और यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया है एंड मैं जो ट्रेड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करने ही वाला था यार, हल्का सा मिस कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी क्रॉस किया नहीं एक्चुअली पूरी तरीके से, फिर भी मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले ली है, होप कि हम जीते, क्योंकि अभी तक देखो क्रॉस किया नहीं है एक्चुअली प्रॉपरली, बट जो भी है जीते हारे अभी डिस्कस करेंगे फर्दर। लेकिन मैं अभी आपको जो बात कर रहा था वो ये कि जैसे ही आप किसी भी करेंसी पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ना, आपके पास एक रैम्बो स्ट्रैटेजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए, मेरे पास जो स्ट्रैटेजी है उसका नाम है रैम्बो, किस तरीके से वर्कआउट करती है। यहाँ पे हमें को 3 ट्रेंड लाइन लेनी है अलग अलग कलर की। जब मैं मिनिमम पीरियड यानी 6 की जो पीरियड की कैंडल लाइन है वो लेता हूँ और अगर वो मीडियम जो पीरियड की जो मिलेगी मेरे को, देखो ये ट्रेड जो है हम हार गए क्योंकि यार हमने थोड़ा सा जल्दी कर दिया ट्रेड लेने में, क्योंकि यार जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, देखो अभी तक क्रॉस किया नहीं है यहाँ पे, अगर आप ठीक से देखोगे तो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में ट्रेड ले ली है, रिजल्ट आपके सामने है, हम लॉस कर गए। तो यहाँ पे ना जब अभी तो देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो बनाने के बाद जब आप इसमें ट्रेड लोगे ना तो बहुत आराम से ट्रेड लेना, शांति से ट्रेड लेना। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना रह गई हैं तो वीडियो को बंद मत करना यार, थोड़ा सा और बची है तो थोड़ा सा और देख लो। तो देखो यार यहाँ पे ना मूविंग एवरेज की हमारे पास यानी 3 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी है, रेम्बो स्ट्रैटेजी उसको बोलते हैं। 3 कलर की ट्रेंड लाइन है, अगर मीडियम रेंज की जो ट्रेंड लाइन हमारे पास है, जो अभी मेरे पास येलो कलर की है, अगर हमारे पास लोअर रेंज की जो ट्रेंड लाइन है वो मीडियम को क्रॉस करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं, सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्रॉस कर सकती है वो मोस्ट प्रोबेबली। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करेगी तो हमारे पास जो ट्रेंड होगा वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन का नेक्स्ट 1 मिनट के लिए तो एटलीस्ट। उसके बाद आपको, और ये कन्फर्मेशन आपको मिलता ही रहेगा हर चार्ट पे, आपको हर एक एक दो दो मिनट के बाद ये कन्फर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी में आपको 1 घंटे वेट करना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए। सबसे अच्छी और खूबसूरत जो बात है ना इस स्ट्रैटेजी की वो यही है, यहाँ पे आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको तुरंत की तुरंत स्ट्रैटेजी पे मतलब कन्फर्मेशन मिलती रहती है। देखो देखो अभी ये देखो एक चीज़ इंटरेस्टिंग हो रही है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, देखिए पहले हमें लगा था कि यहाँ पे क्रॉस करके डाउनवर्ड ट्रेंड जाएगा, लेकिन गया नहीं डाउनवर्ड ट्रेंड और मैंने थोड़ी जल्दी ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी थी और रिजल्ट हमारा नेगेटिव रहा था। अब हमें वेट करना है जब हमारा जो ऑरेंज कलर का लाइन है वो येलो कलर की लाइन को क्रॉस करता है, जैसे ही वो क्रॉस करता है हमें सिर्फ 1 मिनट की ट्रेड लेनी है अपवर्ड डायरेक्शन में एंड वी विल हम विन कर जाएंगे। अगर आप पीछे की कन्फर्मेशन की बात करते हैं तो कन्फर्मेशन में आपको दिखाता हूँ कितनी कन्फर्मेशन आपको चाहिए। देखिए यहाँ पे रेड कलर की लाइन ने येलो कलर की लाइन को क्रॉस किया एंड अपवर्ड ट्रेंड में आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो ब्लू कलर की लाइन ने येलो कलर की लाइन को क्रॉस किया और 1 मिनट की ट्रेड अगर आप डाउनवर्ड लेते तो आपको हराने वाला यहाँ पे अभी मुझे नहीं लगता कोई पैदा हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे मैं आपको थोड़ा सा और पीछे जाके दिखा देता हूँ, लॉट्स ऑफ सिचुएशंस, बहुत सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारी ट्रेंड्स आपको बहुत, देखिए बहुत सारे केसेस आपको देखने के मिलेंगे। जैसे ब्लू कलर की लाइन ने यहाँ पे क्रॉस किया येलो कलर की लाइन को इस पॉइंट पे एंड डाउनवर्ड ट्रेंड 1 मिनट के लिए तो एटलीस्ट डाउनवर्ड है, अगर आप यहीं पर ट्रेड लेते तो 1 मिनट के लिए विन कर जाते। यहाँ पे देखेंगे येलो ऑरेंज कलर की लाइन ने येलो कलर की लाइन को क्रॉस किया अपवर्ड ट्रेंड पे। तो यार अब एक करेंसी नहीं, आप जितनी करेंसी देखना चाहते हो मैं आपको हर एक करेंसी दिखाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि स्ट्रैटजी कमाल की है तो छुपाने किस बात की भैया, जब स्ट्रैटजी आपकी प्यारी है तो सबको बताओ, मेरा तो यही मानना है। देखो अब
वन मिनट की मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। जैसे ही देखो ये ब्लू कलर की लाइन ने क्रॉस किया यहाँ पे येलो कलर की लाइन को, यहाँ पे आप ट्रेड लेते एक मिनट की 100% विन करते, कोई चांस नहीं है आपको हारने का, यहाँ पे कोई तरीका ही नहीं है जहाँ से आप हार सको, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, स्ट्रैटेजी ऐसी है। देखिए यहाँ पे तो कोई ऐसी खास कन्फर्मेशन मिली नहीं, तो हम थोड़ा सा पीछे जाते, थोड़ा और देखते हैं कि कोई ऐसे। हाँ ये देखिए यहाँ पे रेड कलर की लाइन ने क्रॉस किया येलो कलर की लाइन को, वो एन अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है आपको, एक मिनट की ट्रेड आप 100% विन करते। यहाँ पे देखोगे आप ब्लू कलर की लाइन ने येलो कलर की लाइन को क्रॉस किया एंड 100% आप विन करते, डाउनवर्ड ट्रेंड आप देख पा रहे हो। तो आप कितने यहाँ पे कन्फर्मेशन, जितने कन्फर्मेशन आप चाहो उतने कन्फर्मेशन आपको मिल जाएंगे, बस आपको करना क्या है थोड़ा सा सब्र करो मेरी तरीके से, जैसे मैंने अभी लास्ट ट्रेड पे जल्दी किया वैसा आपको नहीं करना है, थोड़ा सब्र रखना ट्रेड लेते समय, थोड़ा सा आपको सब्र रखना है। जैसे ही आपको कन्फर्मेशन मिलती है, जैसे ही आपको लगता है भैया आप क्रॉस कर गया है, तो वहीं पे आपको ले लेनी है ट्रेड एक मिनट या उससे कम के टाइम पीरियड में, और आप विन कर जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार। एक और चीज़ आपको मैंने स्ट्रैटजी के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया है, समझ गए होंगे आप, ट्रेड लेना भी अब आ जाएगी आपको, और नाम भी बता दिया है, सारी चीज़ें हमने समझा दी है। एक और चीज़ यार, सबसे पहले ना आप लाइक करो वीडियो को अभी तक अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि इस बार लाइक टारगेट है वीडियो में यार, वीडियो का लाइक टारगेट है एटलीस्ट 1000 व्यूज़, मतलब 1000 लाइक्स आप पहुंचा दो जितना जल्दी हो सके, 1000 लाइक्स एज सून एज पॉसिबल, मुझे लगता है 1 या 2 दिन में आप 1000 लाइक्स पहुंचा दोगे। और दूसरी जो चीज़ है वो ये कि स्ट्रेटजी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, मूविंग एवरेज तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप मोबाइल में नहीं यूज़ कर पाओगे, आप मोबाइल यूज़र्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, स्पेशलिटी है ये स्ट्रेटजी की। और यार भैया टेलीग्राम पे मैं बहुत अपडेट्स करता रहता हूँ चीज़ों का, सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं ना टेलीग्राम पे आती हैं, तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो ज्वाइन हो जाओ यार टेलीग्राम पे, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। उम्मीद यही करूँगा कि मुझे वीडियो, आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि भैया की, भाई की मेहनत ना, भाई की मेहनत हमेशा काम आती है आप लोगों के, और आप लोगों के कमेंट्स ये चीजें बताते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके कमेंट्स मुझे ये चीज़ें बताते हैं। तो यार थैंक यू सो मच वंस अगेन आप लोगों के लिए, आगे आने वाले टाइम में भी बहुत चीज़ें होंगी, बहुत चीज़ें आसान होंगी, और जो लोग यहाँ से लॉस करके गए हैं वो तो प्रॉफिट करेंगे ही करेंगे, जो नए आए हैं लोग यहाँ पे उनके लिए एक होप है, उनके लिए उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाएँ। लेकिन यार ये स्ट्रैटजी भी तभी वर्क करेगी जब आप थोड़ा सब्र रखोगे, तो हमेशा से कहता हूँ थोड़ा सब्र रखना, चीज़ें सही होंगी। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 ट्रेड जो है इस स्ट्रैटजी से विन कर ली, उसके बाद आपने क्या किया कि आपने अपना ही दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया, तो भैया वो सब नहीं करो प्लीज़। आपको पता है एक स्ट्रैटेजी लगाने वाला बंदा कैसे जीतता है, और अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के काम करो तो आप हार के एक दिन पूरा पैसा गंवा के चले जाओगे, यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाई ही इसीलिए गई है, तो स्ट्रैटेजी से काम लो। बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार कंटेंट के साथ, तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप लाइक करते करते थक जाएंगे, वीडियो खत्म नहीं होगी, तो भैया लाइक करते रहो वीडियोज़ को। एंड एक और चीज़, कमेंट तो आपने कर दिया होगा, चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े हो, मतलब फर्स्ट टाइम हो चैनल पर, तो अभी जुड़ जाओ, मतलब सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू सो मच।